जय जगन्नाथ। समस्तंकु नमस्कार। आपन माननकु समस्तंकु मकर संक्रांति अवसर रे मोर अभिनंदन जनावची। मां प्रभु श्री जगन्नाथ उड़िया जातिर श्रेष्ठ परिचय। प्रति उड़िया जगन्नाथंकु स्मरण करी शुभ कार्य आरंभ करिथांती। से जगतर नाथ, सारा विश्व तांकर सृष्टि, सब धर्म समन्वयर से हेउछंती प्रतीक। आमर संस्कृति, आम परंपरा, आम चेतना सबुर आधार हेउछंती महाप्रभु। जगन्नाथ संस्कृति हेउछि ओडिशार संस्कृति, ओडिशार इतिहास जगन्नाथ मंदिरर इतिहास जोड़ी होई रहिछि। तांको चरण रे मोर कोटि कोटि प्रणाम। महाप्रभु को इच्छा रे आसंत 17 तारीख दिन श्री मंदिर परिक्रमा प्रकल्प लोकार्पित हेबाकु जाउछि। महाप्रभु सकल शक्तिर आधार, तांको बिना इच्छा रे पत्रटिए मध्य होले नाही। आम मानकर परम सौभाग्य, आम जीवनकार मध्य रे आमे श्री मंदिर परिक्रमा प्रकल्प रो लोकार्पण उत्सव रो साक्षी होई पारिछु। सह सह वर्ष धरी साधु संत राजा महाराजा माने श्री मंदिर को सुरक्षा दे आसीथिले। साधारण लोक को तारु आरंभ करी राजा महाराजा माने श्री मंदिर सुरक्षा उपरे विशेष ध्यान रखिथिले। साधु संत माने साधारण भक्त ओ लोक माने एही मार्ग रे परिक्रमा करूथिले। शांति ओ दिव्य आनंदर सह भक्त माने जेपरी श्रीमंदिर परिक्रमा करिवे ता हेउछि आम एही प्रकल्पर लक्ष्य। गजपति महाराजंक भाषारे 700 वर्ष भीतरे श्रीमंदिर पाए एमिति काम होई नाही। एहा हेउछि सारा उड़िया जाति पाए एक उत्सवर दिन। तेणु मोर अनुरोध आमे समस्ते एही दिन टिकू एही उत्सव टिकू महाप्रभु को समर्पण करी पालन करिबा। निजो निजो भावरे भक्ति प्रकाश करिबा, दीप जालिबा, शंख पुंखिबा, घंट बजाइबा, पूजा करिबा, भजन गान करिबा, कीर्तन करिबा, प्रभु को नाम जप करिबा। सारा उड़ीसा रो घरे घरे भक्ति समर्पण आनंद ओ उत्साह रो सह एक दिनोटिकु आमे पालन करिबा। महाप्रभु श्री जगन्नाथ हेउछंती जगतर नाथ, सारा विश्वर कोण अनुकोण रे तांकर अनेक भक्त ओ जगन्नाथ प्रेमी रहिछंती। सबु धर्मर से हेउछंती ठाकुर। समस्तंकर आस्था ओ विश्वास से जोड़ी होई रहिछंती। देश विदेश रे रहुथबा सबु जगन्नाथ प्रेमी को मोर अनुरोध, आपण माने श्री मंदिर परिक्रमा प्रकल्प लोकार्पण उत्सव को निज निज स्थान रे आनंद भक्ति ओ समर्पण भाव सह पालन करंतु। विश्व नियंतांक एही उत्सव रे परिवार सह निज को शामिल करंतु। श्री मंदिर सुरक्षा सहित भक्त माननकु एक दिव्य अनुभव देबा होइछि श्रीमंदिर परिक्रमा प्रकल्पर मुख्य लक्ष्य। श्रीमंदिर परिक्रमा प्रकल्प लोकार्पित
ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଇତିହାସରେ ଏହା ଏକ ଗୌରବମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ସେହିପରି ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଯେପରି ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନୁଭବ ନେଇ ଫେରିବେ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାହାର ଯାନିଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ବଳରେ ଏହି ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ତାଙ୍କୁ କୃପା ଓ କରୁଣା ବଳରେ ଧନ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଜମିଦାନ କରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ, କାରିଗର ଓ ଶିଳ୍ପୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯୋଗୁଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ସବୁରି ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶିଷ ଲାଭ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।